रिलीज से पहले सलमान और आलिया की जोड़ी हुई सुपर हिट, बना दिया ये अनोखा रिकॉर्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। सलमान खान की हर फिल्मों को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड रहते हैं। जब उनकी कोई भी फिल्म 3 दिन में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर ही लेती है, चाहे वो फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ अच्छे हो या बुरे, यहाँ तक कि सलमान खान की हर फिल्म के राइट्स इतने में बिकते हैं कि रिलीज से पहले ही फिल्म को पूरी रिकवरी मिल जाती है। जब उनकी टाइगर जिंदा है, भारत, सुल्तान जैसी फिल्मों के राइट्स करोड़ों में बिके थे, और अगले साल ईद पर सलमान खान और आलिया भट्ट 1 साल धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार देखने को मिलेगी, और अभी तक तो ये फिल्म की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई और ये जोड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। तो आपको बता दूं कि इंशाल्लाह फिल्म रिलीज से पहले ही 190 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, जय फिल्म के राइट्स 190 करोड़ में बिक चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इंशाल्लाह फिल्म की अभी तक तो शूटिंग भी शुरू नहीं हुई और ये फिल्म ने तकरीबन 200 करोड़ जितना कमा लिया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि दर्शक कितने एक्साइटेड है सलमान खान और आलिया भट्ट को एक साथ देखने के लिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं संजय लीला भंसाली, जो पहले भी पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, हम दिल दे चुके सनम जैसी कई सारी फिल्में सुपरहिट दे चुके हैं। और सलमान खान और संजय लीला भंसाली सालों बाद एक साथ काम करने जा रहे हैं, तो इसके कारण इंशाल्लाह फिल्म अभी से ही चर्चा में आ गई है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वह हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफ स्टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। आलिया मैम राइट में भी, आलिया मैम राइट में, सर मैम थैंक यू मैम।